नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ तंदूरी रोटी शेयर करूँगी। आलू और प्याज वाली तंदूरी रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और इसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं, और ये रोटी हम कुकर में बनाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए बनाना हम शुरू करते हैं तंदूरी आलू प्याज की रोटी, जिसके लिए मैंने एक कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा लिया है मैंने, और एक प्याज और एक हरी मिर्च ली है बड़े साइज की, जिसको बारीक काट लिया है, वो भी हम आटे के अंदर डाल देंगे। दो चम्मच हम बेसन डाल देंगे, जिससे रोटी में जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और मैंने तीन आलू लिए हैं उबले हुए, जिनको मैंने मैश कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप रोटी के अंदर ना डालें, आप बिना लाल मिर्ची के भी इसे बना सकते हैं। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, वैसा ही हम आटे को गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना, हमें सॉफ्ट आटा लगाना है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। देखिए, मैंने आटा लगा लिया है, थोड़ा सा घी लगा के इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए, आटा तैयार हो गया है। अब हम कुकर को गर्म करना रख देते हैं, गैस ऑन कर देंगे और कुकर को उल्टा करके गर्म करना रख देंगे। और अब रोटी बेल लेंगे। रोटी छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं, मैं मीडियम साइज की रोटी बनाऊंगी, ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। एक लोई ले लेंगे, सूखा आटा लगा के इसे मीडियम साइज की बेल लेंगे। जितनी तंदूरी रोटी होती है उस हिसाब से, तंदूरी रोटी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, मैं ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी बनाऊंगी। इस साइज़ की हम सारी रोटियां बेल लेंगे और प्लेट में रख देंगे। एक रोटी और बेल लेंगे। हमें सारी रोटी इसी तरह बेल के तैयार कर लेनी है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। देखिए, मैंने चार रोटी बेल ली है, अब हम चिपकाएंगे इन्हें कुकर के अंदर। कुकर को इस तरह से रख लेंगे गैस के ऊपर, और एक रोटी हाथ में ले लेंगे और इसके पीछे थोड़ा सा पानी लगा देंगे। हल्का हल्का पानी लगाना है हमें, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, जिससे कि रोटी कुकर के अंदर चिपक जाए। और हल्के हाथ से इसे चिपका देंगे, ध्यान से चिपकाएँ, कहीं कुकर आपके चिपक ना जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान से करें। हम चार से पांच रोटी एक बार में कुकर में बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से चिपका देंगे, ये बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। मैंने चारों रोटी चिपका दी है, अब हम कुकर को उल्टा कर देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे और इसे सिकने देंगे। दो मिनट बाद हम वापस से इसे चेक कर लेंगे। देखिए, हल्की रोटी सिक गई है हमारी। अब वापस से थोड़ा उल्टा कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए कुकर को चारों ओर से रोटी को सेक लेंगे। देखिए, वापस से चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं रोटी हमारी सिक गई है। अब हम चिमटे की सहायता से इसे उतार लेंगे। आप पीछे से अच्छे से सिक गई है और आगे से भी अच्छे से सिक गई है, सभी रोटियां हम चिमटे की सहायता से उतार लेंगे, बहुत ही आसानी से उतर जाती हैं। और जो थोड़ी कच्ची रह जाएंगी उन्हें हम गैस पे सेक लेंगे। देखिए, इस तरह से हम गैस पे सेक लेंगे। अगर थोड़ी कच्ची रहेगी और थोड़ी करारी कर खाते हैं आप, तो भी आप गैस पे इस तरह से थोड़ी सी करारी करके घी लगा के रोटी को खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रोटी बनकर तैयार होती है। हम घर में तंदूरी रोटी आसानी से बना सकते हैं, जब भी आपका कभी मन करे तो आप इस तरह से तंदूरी रोटी बना के खा सकते हैं। मैंने आलू प्याज की बनाई है, आप सिंपल भी बना सकते हैं, अकेली प्याज की भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रोटी बनकर तैयार होती है। सभी रोटियाँ हमें इसी तरह सेक के तैयार कर लेनी है।
देखिए हमारी रोटी सारी सिक गई है, बहुत ही अच्छी सिकी है। अब वापस से कुकर में इसी तरह चिपका देंगे जैसे हमने पहले चिपकाई थी, उसी तरह हम रोटियों को चिपका देंगे। मैंने 4 रोटी तैयार करी है, 4 रोटी हम कुकर पे चिपका देंगे पानी लगा के, अच्छे से सेट कर देंगे कपड़े की सहायता से और इस कुकर को उल्टा कर देंगे। जब तक हमारी रोटियां सिकती हैं, अब हमारी सिकी हुई रोटियों पे हम घी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से घी लगा लेते हैं, बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से चेक कर लेंगे हमारी रोटी सिकी है या नहीं। अभी हमारी रोटी सिकी नहीं है, गैस को थोड़ा सा तेज करके हम रोटियों को सेक लेंगे, ज्यादा तेज नहीं करना नहीं तो रोटी जो है जल जाएगी। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, आप देख सकते हैं ये रोटियां सिक रही हैं। एक बार और हम इस तरह से सेक लेंगे, हल्की सी मीडियम साइज की गैस करके हम रोटियों को सेक लेंगे इस तरह से कुकर को चलाते हुए। आप देख सकते हैं रोटी सिक गई है, अब हम चिमटे की सहायता से इसे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं पीछे से बहुत ही अच्छी सिकी है हमारी रोटी, और थोड़ा बहुत हम गैस पे सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकनी पड़ती फ्रेंड, थोड़ा ही सेकना पड़ता है हमें रोटी को गैस पे। और ये अच्छे से सिक जाती है कुकर के अंदर ही, हल्की फुल्की हम सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं पीछे से काफ़ी अच्छी सिक गई है रोटी, और आगे से हम थोड़ा सेक लेंगे। बहुत ही अच्छी रोटी बनी है हमारी, अब हम इन पे घी लगा लेंगे और सभी रोटियां हमें इसी तरह बना के तैयार कर लेनी है। जब भी आपका कभी मन करे तंदूरी रोटी खाने का, मिस्सी रोटी खाने का, आप घर में बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं और अपनी फैमिली को बना के खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।